सो हेलो एवरीवन, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपना गुरुदेव का ध्यान धर लेते हैं एक बार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने गुरुचरण का ध्यान धर लें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं अब हम। तो लास्ट वीडियो में ना क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था, ठीक है। और हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअली जो सीबीएसई का जो 2023 का जो पेपर है मैथ का, उसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है जी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा पेन उठा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए सब लोग। सिंपल सा क्वेश्चन है भी। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बेल सफर ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज क्वीन, सिंपल क्वेश्चन। तो हम लोग को तो पता है टोटल 52 कार्ड होता है एंड क्वीन चाहिए आपको। तो क्वीन कितना होता है याद है ना? तो जो टोटल क्वीन होते हैं हमारा वो होते हैं चार, है ना। चार क्वीन होते हैं ना, किंग क्वीन एंड जैक, चार चक्कर होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कितना हो जाएगा, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कार्ड। वी वांट टू फाइंड हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कार्ड कितना हो जाएगा, ऊपर में है फेवरेबल में चार और टोटल कितना होता है 52। 52 देखिए 52 तो कितना बार में कैंसिल होगा, 13 टाइम्स, 13 चौका 52 होता है ना। तो और अपना 1/13, ये थोड़ा लगता है हैंग कर रहा है क्या, 1/13 इज द आंसर हियर। 1/13 है कहीं, 1/13। 1 मिनट। वन कार्ड प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज अ क्वीन, हाँ तो ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वही तो सेम है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 4/52 बोल लो या ये बोल लो, यानी कि 4/, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा यही आंसर आ रहा है, कितना 1/13 बोल लीजिए या आप ये थोड़ा पता नहीं आज चलेगा कि नहीं चलेगा ये, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है कि पी क्यू इज द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड ओ इज द सेंटर, ठीक है जी। तो द रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ पी क्यू, सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे भी। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें राइट एंगल ट्रेंगल लगा करके, और यह 90 डिग्री है ना, यह 5 है, ये आपको दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो आप चाहो तो पहले, चाहे डायरेक्ट हम इसको भी निकाल सकते हैं। तो पी क्यू निकालने का ही बात चल रहा है, तो 10 30 यूज कर लेते हैं। तो अगर मैं बात कर लूंगा इन राइट एंगल ट्रेंगल तो है ही, इन राइट एंगल ट्रेंगल ओ क्यू पी में, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए ये अपने पास कितना 10 ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 30 इक्वल टू 10 30 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5 5/PQ, 5/PQ। तो ये होता है 1/√3 इज इक्वल टू 5/PQ। तो यहाँ से आपका पी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, दैट इज इक्वल टू 5√3। सो 5√3 हमारा इसका करेक्ट आंसर निकल गया है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, ओके है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, ठीक है। तो 0 हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी, हाँ ये नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है वन या वन से छोटा, 0 या 0 से बड़ा। तो प्रोबेबिलिटी जब भी होगा वो 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो ऑप्शन नंबर भी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 देखेंगे अभी हम लोग। ये क्वेश्चन में दिया था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इतना है, तो सेक थीटा सिंपल क्वेश्चन है देखिए। तो ये हमने पढ़ा भी था कि अगर सेक थीटा -10 थीटा या प्लस कोई भी है वैल्यू, जब मान लीजिए ये वैल्यू मैं बोलता हूँ पी, तो ऑटोमेटिक इसका प्लस वाला इसका रेसिप्रोकल में होके आएगा। तो
तो sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होता है अपने पास, वो हो जाता है 1 बाई पी, यानी कि अगर वो है 1/3 तो ये हो जाएगा 3। कहाँ से, अगर थोड़ा डिटेल किसी को चाहिए कि कहाँ से आता है फॉर्मूला, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं, देखिए 1 प्लस tan² थीटा इज इक्वल टू क्या, आप याद किए थे sec² थीटा याद किए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप 1 लिखना चाहें तो क्या आप लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू योर sec² थीटा - tan² थीटा, हाँ लिख सकते हैं। या अपने पास क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट sec θ + tan θ, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec θ - tan θ, ठीक है, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्या कि sec θ + tan θ का जो वैल्यू है, अगर मान लीजिए पी है, अगर मैं यहाँ पे पी पुट करता हूँ, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी इंटू यहाँ पे आ जाएगा अपने पास sec θ - tan θ। तो यहाँ से हमारे पास देखिए sec θ - tan θ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आता है। तो अगर अगर ये p मानेंगे तो ये वाला 1/p हो जाएगा, तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देख लेते हैं हम लोग। 10 का सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन दिया था द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस, ठीक है सिंपल। तो आपको अल्फा का वैल्यू दे दिया है कितना, 3 - √2। बीटा का वैल्यू कितना अपने पास, वो है 3 + √2, ठीक है जी। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, आपने पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ होता था के इंटू x² - sum of root, that is alpha + beta × x, एंड देन प्लस होता था product of root, that is alpha × beta, याद है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के इंटू, चलिए तो पहले ना एक बार हम अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा निकाल ही लेते हैं। तो अगर अल्फा प्लस बीटा की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 आ जाएगा, एंड अल्फा इंटू बीटा a + b × a - b, a² - b² 9 - 2 7 होता है। तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, 7। ये कितना हो रहा है जी, x² है ना, और -6x + 7। k का वैल्यू कोई कांस्टेंट है तो 1 भी हो सकता है, वो अपने हिसाब से। तो इसका k को चाहो तो आप इधर भेज सकते हो, यस। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आ रहा है इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है अपने पास। 11 का सॉल्यूशन देखिए, तो क्या बोला क्वेश्चन, इफ एवरी टर्म्स ऑफ अ स्टैटिकल डेटा कंसिस्ट ऑफ द एन टर्म्स, ओके, इज डिक्रीज बाय 2। अच्छा, द हर डेटा को आपने 2 घटा दिया तो मीन क्या हो जाएगा, वो भी 2 घट जाएगा, तो डिक्रीज बाय 2, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा डिक्रीज बाय 2 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो 12 में अगर आप देखेंगे ध्यान से, इस क्वेश्चन में है द नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैविंग 0, -3 एंड 5 ईच, ओके। तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स होंगे जिसका जीरो जो है वो -3 एंड 5 होगा, बिल्कुल। तो चलिए एक अपन ना आपको डायग्राम से दिखाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हमारे पास एक्स डैश हो गया और इधर में हमारे पास एक्स है, तो ऐसा कितना एक जीरो मान लीजिए, मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल जो है वो इसको कट करता है, डिग्री का कोई बात ही नहीं बोला, तो बिल्कुल 2 डिग्री में भी बहुत सा हो जाए। जैसे मान लीजिए हमने एक पॉलीनोमियल ये बनाया तो ये भी यहाँ से जा रहा है, या आप ऐसे ही बना सकते थे, तो 2 डिग्री में ही इनफाइनाइट हो जाएगा। और क्योंकि डिग्री का कोई बात नहीं किया है तो ऐसे तो और भी बहुत सारा हो सकता है, तो बिल्कुल इनफाइनाइट इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए आप। तो 13 का सोल्यूशन अगर आप बात करते हैं, तो द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ दिस एंड दिस इज, ठीक है। तो यहाँ से दिया था अपने पास x + y जो है वो a + b है, और यहाँ पे अपने पास क्या दिया है, ax - by, दिस इज इक्वल टू कितना दे रहा है, a² + b² दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं ना, इस इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 को आप -b से, चाहे सिंपल b से मल्टीप्लाई करिए, बाद में हम माइनस तो कर ही लेते हैं, ठीक है। इधर सॉल्व करता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है, ये हो जाएगा अपने पास bx, ठीक है जी, + by इज इक्वल टू, ये हो गया अपने पास ab + में b² ठीक है।
तो ये हो जाएगा अपने पास ए एक्स माइनस में बी वाई इज इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस माइनस, नहीं नहीं सॉरी, ये तो ऐड करके ही आ जाएगा ना हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी साइन अपोजिट है, तो इसको कैंसिल मारो, यहाँ से एक्स कॉमन करिएगा तो ये आपका आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है जी, और यहाँ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कुछ आ रहा है, यहाँ पे आपका आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए भी तो ऐड हो रहा है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर मैं बी कॉमन करूँ तो ऐसे कुछ नहीं मिल रहा है, तो एक्स का जो वैल्यू है समथिंग वो आ रहा है एटलीस्ट, यहाँ से आप ए कॉमन कर सकते हो, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस में 2b² होल डिवाइडेड बाई आपको कितना आ रहा है, ए प्लस बी, ये कुछ आ रहा है इसका वैल्यू। तो आई थिंक पता है इसको, तो एक बार ना इसी से चेक करके देखिए, हिडन ट्रायल मेथड से। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ गलती कर दिया ना, एक्चुअली एक क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस दिया था ये, ठीक है, इसीलिए हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा था। ठीक ठीक है, ये माइनस था एक्चुअली, तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, तो अब सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा इरेज करने वाला पोर्शन उठा लेता हूँ, इरेजर वगैरह होगा ना, है ये सब थोड़ा सा मुझे हटाना पड़ेगा इस साइड में। ठीक है, रुकिए रुकिए, साइन का, हाँ इधर आ जाइए आप। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन में था अपने पास बी एक्स प्लस ए वी था ना, और इसको आपने बी स्क्वायर बोला, और ए आपका हो गया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐड कर रहे हैं ना, कैंसिल, यहाँ पे भी ये दोनों पार्ट कैंसिल, यहाँ पे हो जाए कितना ए बी प्लस में ए स्क्वायर, तो अगर ए कॉमन करते हो आप तो ये हो जाएगा ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कट जाएगा ना, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, और एक्स का वैल्यू अगर ए आ जाएगा तो पुट करके आप वाई भी निकाल सकते हो, तो वाई का वैल्यू एक्चुअली बी आ रहा है, ये हमारे पास ए कॉमा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ठीक है जी, क्लियर ना, तो ये अपने पास क्या था, एक मिनट, ठीक है, तो प्रीवियस हो गया क्या, पूरा क्लीन हो गया क्या, हाँ कोई बात नहीं, आई थिंक पूरा हट गया, पर ठीक है, आप जानते हैं कि इस चीज को हम लोग मालूम तो है ना, मैंने बता दिया इसका आंसर कौन सा आ रहा है अपने पास, इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है आपका वो आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी मैंने वीडियो में होपफुली वो तो रिकॉर्ड हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, अगर 14 को देखेंगे, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी व्हिच एनथ टर्म इज गिवन बाय दिस, तो ठीक है आपको ना इस 14 का सॉल्यूशन यहाँ दिखा रहा हूँ, इसका ऑलरेडी आपको एन टर्म दे दिया है, एन टर्म दे दिया है कितना 3n+7, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था, ऐसे तो सिंपल ही है, डायरेक्टली बता सकते हैं, बट समझने के लिए एक बार 3 पुट कर लो आप, तो 3+7 यानी कि 10 हो जाएगा, a2 पुट करेंगे आप तो हो जाएगा 3 × 2+7, कॉमन डिफरेंस क्या होता है अपने पास, दो टर्म का डिफरेंस होता है कंजुगेटिव टर्म का, a2 − 7 करिएगा तो हो जाएगा 3 × 2+7, और यहाँ पे तो माइनस ही हो जाएगा, ये माइनस मेरा 3+7, 7 7 कट ही जाएगा, 6 − 3 कितना जाएगा 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना रहा आपका 3, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, अगर मैं 15 का सॉल्यूशन देखने का कोशिश कर रहा हूँ, देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है आपका, एक्स निकालना है ना, बीपीटी थ्योरम, यूजिंग बीपीटी याद है ना, यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या बोलता था, एक मिनट एक मिनट,